नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ यूनिक कॉम्बिनेशंस की और देखेंगे कि इसमें उस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमारी एंट्री होगी यहाँ पे करीब 38,228 के आसपास, और देख सकते हैं लो बना 38,187 का लो मारा। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे सेल करेंगे, नीचे गया, अगेन हम यहाँ पे सेल करेंगे, नीचे गए। यानी कि ये जो सेटअप है, ये आपको एक ही दिशा में एंट्री दे सकता है, या आपको पता रहेगा भाई हमें आज बाय साइड की तरफ ट्रेड करना है या हमें आज सेल साइड की तरफ में ट्रेड करना है, किस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस लेने हैं, कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, सब चीज़ें आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कहा जाए कि आपके साथ में कुछ एक स्ट्रेटजी सेटअप से शेयर करने वाला हूं, जिसका फायदा आपको जरूर मिलते हुए नजर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में जरूर आगे तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं लर्न विद केके चैनल, आपका अपना चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, ट्रेडिंग व्यू और उसके अलावा बहुत से ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड स्ट्रेटजीज और कंटेंट यहाँ पे आ भी गया है, और भी बहुत कुछ आने वाला है नया, जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मैंने किस तरह से ये सेटअप बनाया हुआ है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को किस तरह से प्लान कर पाएंगे। बट उससे पहले कुछ एंट्रीज देख लेते हैं कि आप एंट्री यहाँ कैसे लेंगे। जैसे सेल की एंट्री मैंने आपको बताई आज के लिए, अगर आज क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन था तो बहुत ये था कि भाई आज तो गैप डाउन हो गया, क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम केवल एक एंट्री यहाँ पे ले सकते थे, ये भी एंट्री आप कहें कि ली जा सकती थी। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि नीचे सेल में आ गया, बट यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं हो रही, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो रही, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हो रही, यहाँ कोई एंट्री नहीं हो रही, यहाँ कहीं जाके हम एक एंट्री लेते, छोटा सा हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलता। अगर इस स्टॉप लॉस को हम मेंटेन रखते तो हमको ये वाला पूरा जो सेल साइड का हमारा ट्रेड था, पूरा का पूरा आप इसमें बैठे रह सकते थे। बात करें 25 तारीख की, जिस दिन हमारा एक्सपायरी डेट था, उस दिन आप अगर बात करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं मिली। अगर हम इसको चेंज करते हैं, सपोज क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी और हमें पता था कि बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, तो हम उस दिन अपने टाइम फ्रेम को मान लीजिए 1 मिनट पे ले जाते हैं, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते होते तो आपको पहली एंट्री यहाँ कहीं मिलती दोस्तों। और देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते 200 पे, और यहाँ से आप सेल करते तो पूरा आप इसमें बने रह सकते थे और बहुत बड़ा मुनाफा आप यहाँ पे बना सकते थे। दोस्तों, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशंस आज मैं बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्कैल्पर्स के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि किस तरह से स्कैल्पिंग करते हुए आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं वो कैसे हैं, और किस तरह से आपको बाय की एंट्री लेनी है, कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और कैसे आपको सेल साइड की एंट्री लेनी है, कैसे फिल्टर करना है अपने हर एक ट्रेड को। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स लगे हैं इनको मैं हटा देता हूँ एक बार, और आपके लिए दोबारा इंडिकेटर्स मैं लगाता हूँ। सपोज मैंने 1 मिनट का बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, आप कोई भी चार्ट लगा सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हर जगह ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर्स के अंदर, और आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। यहाँ पे आपको दो बार क्लिक करना है, यानी कि हम दो मूविंग एवरेज यहाँ लगाने वाले हैं। पहला मूविंग एवरेज जो हमारा होगा वो होगा हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे, मान लीजिए इसको कलर दे देता हूँ मैं इस तरह से, और इसको कर देता हूँ ओके। दूसरा हमारा मूविंग एवरेज जो है वो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम दे देते हैं इनपुट्स के अंदर जाके 200। जी हाँ दोस्तों, 20 और 200 का हमने कॉम्बिनेशंस बना लिया है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है या इंपॉर्टेंट हमारा इंडिकेटर वो होगा RSI। बट RSI जो नॉर्मल RSI होता है, हमें उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। देखिए यहाँ सेटिंग में क्या कर रहा हूँ, सेटिंग के अंदर आपको RSI 2 कर देना है, यहाँ पे जाना है RSI Based MA जो है उसको हटा देना है, इसको आपको कलर को चेंज कर देना है अपनी सुविधा के हिसाब से, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मिडिल बैंड को हटा देना है, यहाँ आपको कर देना है 90, इसको मैं कर देता हूँ रेड, और यहाँ लाइन को कर देता हूँ इस तरह से। लोअर बैंड को आपको कर देना है 10,
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसको कर देता हूँ ओके, एंड हमारा सेटअप अब है रेडी। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। ट्रेड करने के लिए सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो प्राइस है, यानी आपका ये वाला जो प्राइस चल रहा है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो प्राइस को अगर आप देखेंगे तो प्राइस देखिए कि 200 डे मूविंग एवरेज जो आपने लगाया है उसके नीचे होना जरूरी है, अगर सेल साइड की एंट्री आपको लेना है, ठीक है, सेल साइड की एंट्री लेना है, नीचे होना जरूरी है, ठीक है जी। सेल हमारा आ गया यहाँ पे, अब हम वेट करेंगे, किस चीज़ का वेट करेंगे, क्योंकि 20 के नीचे भी है, 200 के भी नीचे, बट हम हमारा RSI जो चल रहा है ये हमारा अभी चल रहा है 90 और 10 के बीच में, तो अभी हम वेट करेंगे क्योंकि हम सेल साइड के तरफ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमें वेट करना है कि RSI 2 हमारा 90 के ऊपर जाए। यहाँ देख सकते हैं 90 के ऊपर आ गया और हमारा जो प्राइस एक्शन ये भी कह रहा है कि भाई मैं 20 के ऊपर आ गया लेकिन 200 के नीचे हूँ, तो ऑलरेडी मैं सेल में हूँ, और जैसे ही ये अपना 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। RSI भी नीचे आ चुकी है, स्टॉप लॉस जो आप रखेंगे केवल इतना छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, एंट्री करेंगे नेक्स्ट डे की यहाँ पे इस ओपनिंग पे, और यहाँ से आप अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज के साथ में रखेंगे। 20 डे के ऊपर आते ही अगर प्राइस 20 डे के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है तो आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से हमारा सेल बना, बने रहे, एक जंप भी आया, अगेन हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि हम और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, और देखिए हमको कितना बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे कैच कर सकते थे। आई होप कि आपको बाय साइड का सेल साइड का समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बाय साइड का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि अगर बाय साइड में हमें ट्रेड करना हो तो आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखिए ये 25 तारीख का ही ट्रेड है, अब 25 तारीख में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर प्राइस को देखें तो ये प्राइस जो हमारा है 20 डे के नीचे है और 200 के ऊपर है, तो ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है, हमें वेट करना है कि प्राइस जो हमारा 20 और 200 दोनों के ऊपर हो जाए, ठीक है, ऊपर हो गया। अब आपको वेट करना है कि आपके RSI 2 जो है वो हमको नीचे कहीं मिले। अब देखिए यहाँ पे हमको एक एंट्री मिली छोटी सी, छोटा सा स्काई स्पाइक आया और उसके बाद यहाँ हमारा एग्जिट हो गया। तो आपको एंट्री और एग्जिट हो सकता है कई बार बहुत बड़ा मूव देगी, कई बार हो सकता है कि आपको बड़े मूव्स ना मिले। तो स्कैल्पर्स को क्या चाहिए, स्कैल्पर्स को यही चाहिए भाई हमको बड़ा मूव आता मिले। देखिए बड़ा मूव मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये 24 तारीख का बाय साइड का एग्जांपल समझ लीजिए आपकी। देखिए 20 और 200 के ऊपर प्राइस जो है इस यहाँ से मेंटेन होना शुरू हो गया, अब आपको पता चल गया 20-200 के। अब आपको वेट करना है कि प्राइस आपका 90 के नीचे आए, मतलब एक एंट्री आपने यहाँ करी, एक एंट्री आप यहाँ कर सकते थे, आप देख सकते हैं कि नीचे आ गया, जैसे ही ऊपर गया इसके बाद आप इसको लेके पूरा इसको होल्ड करके रख सकते थे, और इसने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दी, तो आप इसके अंदर पूरे बने रह सकते थे, बड़ा मूव आप एक कैच कर सकते थे। अगर इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेडिंग करते तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर आपको कितना बड़ा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता था। तो हमेशा इसी तरह से ट्रेड कीजिए, यानी 20-200 को देखिए कि भाई हमारा दोनों ऊपर है, प्राइस उसके ऊपर है, बस RSI 2 का इंतजार कीजिए कि वो आपको 90-10 के नीचे मिल जाए अगर बाय साइड के लिए आप जा रहे हैं, और अगर सेल साइड के लिए जा रहे हैं तो आपका वो 90 के ऊपर मिलना जरूरी। जैसे सेल का भी मैं एग्जांपल आपको एक और बता देता हूँ लेके, सेल हमारा, सेल का एक अच्छा एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। जिस दिन बड़ी मूव हमारी आई थी शायद 19th को आई थी मेरे ख्याल से, हाँ 19th को, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 20-200 के दोनों के नीचे प्राइस हो गया। अब बस आप वेट कीजिए आपकी जो RSI ये 90 के आसपास है, देखिए यहाँ पे आ गई, आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, यहाँ पे भी आई, यहाँ से भी अगर ये स्टॉप लॉस को आप सस्टेन करके रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला सेल भी आप आसानी से यहाँ पे ले सकते थे। तो बड़े मूव्स को भी आप आसानी से यहाँ पे कैच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करना है। अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको एक मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करना, बट जो रूल्स हैं वो सेम रहेंगे भाई, 20 और 200 के ऊपर होना चाहिए और प्राइस जो है उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए, देन ओनली आप यहाँ पे बड़े मूव्स को कैच कर पाएंगे और एक बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पे बना के ले जा सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये आपकी हर एक
टाइम फ्रेम हर एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम करेगी। ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक निफ्टी आप स्टॉक्स के ऊपर भी लगाएंगे तो वहां पे भी आपको एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मैं कुछ स्टॉक्स अभी ले लेता हूँ, मैं उस पर आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ABFRL का स्टॉक है, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई हमको एग्जाम्पल मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने पहली बार अभी मैं लगा के देख रहा हूँ यहाँ पे। बट जैसा कि मैंने आपको बोला, आप देखिए 15 मिनट का टाइम, 2200 के ऊपर प्राइस मेंटेन है, हम बस इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए RSI 2 हमारी यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। अब हमें वेट करना है प्राइस हमारा 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आके और क्लोजिंग दे दे ऊपर। यहाँ क्लोजिंग दे दिया, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे और पूरी इसको आप देख सकते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक भी अगर आप बोलें पूरा का पूरा आप इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। आपको एक एंट्री जहाँ कहीं भी मिली आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक एंट्री आपको मिली। बट इंट्राडे की अगर बात करूँ कि ये एंट्री भी बहुत ही शानदार रही और इसको भी आप ट्रेड ले सकते थे। ये 15 मिनट का टाइम कर दिखा रहा हूँ, आप इसको 5 मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 5 मिनट में अलग तरह से आपको रिजल्ट दिखेंगे, अलग तरह का एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर आप बात करें 15 मिनट या 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड करना चाहते हैं, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने जो बेसिक रूल होंगे आपके ट्रेडिंग के वो सेम होने वाले हैं, उसमें कोई अंतर आपको नहीं आने वाला। अगर ट्रेड नहीं मिल रही कोई बात नहीं है, ट्रेड जब भी मिलेगी शानदार मिलेगी, ये गारंटेड है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो, 20 और 200 के भाई नीचे हमारा प्राइस चल रहा है, वेट कीजिए वेट कीजिए, 90 के ऊपर आ गए, 20 के नीचे जाते इसको ठोक दीजिए, बस सेल साइड की ट्रेड ले लीजिए। इसमें रोज ऐसे ही करना है आपको। ये देखिए ये नीचे आ गया, दोनों के इंतजार कीजिए, ये 90 पे आ गया, इसके नीचे आप सेल करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके नीचे चेक कहाँ से गया, यहाँ से गया, इतना अच्छा मूव आपने कैच किया। अगर बाय साइड में है तो बाय साइड की चीजें पकड़िए, सेल साइड है तो सेल साइड। ये सब स्पाइक को आप नहीं पकड़ सकते, आप सोचे ऐसा स्पाइक आपके पकड़ पे आ जाएगा, वो जल्दी नहीं आता, ठीक है। लेकिन 20 और 200 और साथ में आपने कॉम्बिनेशन बना लिया कि भाई हम अपना RSI 2 जब भी अगर हमारी नीचे जाएगी 10 के तो हम एंट्री करेंगे, और अगर सेल साइड में है तो 90 के ऊपर जाते हम सेल करेंगे। देखिए बहुत से स्टॉक्स हैं, और अभी लाइव का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गोल्ड का अगर एग्जांपल लें, ये अभी गोल्ड अभी लाइव मार्केट के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे अगर देखें, देखिए 2200 के ऊपर आ गया है। अब यहाँ से अभी ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर अगर आता और फिर प्राइस नीचे मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, मतलब लगातार एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा मुनाफा बनता है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत 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 तगड़ी कहा जाए कि स्ट्रेटजी है, बस आपको अपने नियम पे टिक के काम करना है, नियम से काम करना। अगर नियम से काम करेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए प्राइस आपका 20 और 200 के ऊपर था, यहाँ पे आपको नीचे मिल गया, और ये कौन सी कैंडल है, इसके रिस्पेक्टिव कैंडल यहाँ से देखिए, ये वाली कैंडल, बस वो यहाँ पे आप बाय कीजिए, इसके ब्रेकआउट के स्टॉप लॉस जो छोटा सा रखिए, और देखिए ये कितना बड़ा मूव आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स में बनेगा कौन से में नहीं बनेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जिसमें भी बनेगा आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अडानी इंटरप्राइज है या कोई भी, जो भी शेयर्स आप लेना चाहते हैं उसमें आप इसको काम कर सकते हैं, और किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। एक लाइव एग्जांपल क्रूड का देख लेते हैं कि क्रूड अभी कहाँ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल का अगर हम यहाँ पे मैं प्राइस एक बार चार्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्रूड हमें क्या एंट्री दे सकता है। यहाँ पे देखिए 2200 के ऊपर है प्राइस, यहाँ पे आया और देखिए यहाँ से ये देखिए और यहाँ पे देखिए यहाँ सीधे बाउंस किया। इस चीज को आप आसानी से यहाँ ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। मतलब आपको इंतजार करना है कि ट्रेड आपकी दिशा में आ गई, बस 20 डे आई आपकी जो RSI 2 जो है वो आपको 10 के नीचे मिल जाए तो आप बाय के साइड में जाइए, और अगर सेल साइड की भी एंट्री देख लेते हैं इसमें क्रूड में पास्ट में कोई सेल की एंट्री आई हो जहां हमें अच्छी एंट्री मिल सके, ऐसा कोई एग्जाम्पल वो तब हो पाता है जब कोई कंटिन्यूस आपका कोई कहा जाए कि ट्रेंड चल रहा होता है तो वहां पे आपको एंट्री जैसे मिलती नजर आती है। बट वो एंट्री ऐसी होगी कि भाई वो परफेक्ट एंट्री होगी और वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉफिट बनाने में। और हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए भाई, हमें श्योर शॉर्ट ट्रेड चाहिए, हमें आलतू फालतू ट्रेड नहीं चाहिए, हमें ऐसी ट्रेड चाहिए कि जहां हमारा पैसा बने, भले ही कम कम ट्रेड्स आए लेकिन ऐसी आए कि जो मतलब
ट्रेड लें और बस प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है मेरे दोस्तों। वो इंतजार का ही फल है जो कि आपकी हर एक ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएगी, बट यह है कि आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार जो करता है वही यहाँ पे पैसा बनाता है। ये देखिए, ये आपकी एक ट्रेड आ रही है 2200 के ऊपर प्राइस है, और यहाँ पे देखिए ये आपका ऑलमोस्ट इसको टच किया और इसके बाद बूम, जितनी ट्रेड करेंगे सब प्रॉफिट में जाएंगी, ये कंफर्म बता रहा हूँ। बट आपको एंट्री और एग्जिट अपने हिसाब से नहीं, आपको रूल के हिसाब से लेना। जो भी रूल आपको बताए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, किसी भी आप कहा जाए कि इंस्ट्रूमेंट को लेके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर काम कर सकते हैं, 3 मिनट के अंदर करना है 3 मिनट के अंदर कीजिए, 5 मिनट के अंदर करना है 5 मिनट के अंदर कीजिए, 1 मिनट के अंदर करना है, स्कैल्पर बन के काम करना है तो स्कैल्पर बन के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काम करेंगे वैसे आ जाएगा, बस आपको देखना है भाई हमारा प्राइस कहाँ चल रहा है। जैसे निफ्टी का देखिए, अब 22 तारीख की ट्रेड, ये वाली ट्रेड देखिए, प्राइस अब इसके नीचे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस इसके 2200 के नीचे, सबसे पहले तो आपको सेल कंफर्म करना भाई 200 के नीचे। अब आपको या तो RSI मिल जाए 90 के ऊपर, या आपको दोनों चीज एक साथ मिल जाए भाई। प्राइस RSI 90 के ऊपर मिल गई, अब जैसे ही प्राइस 20 के नीचे आता है, यहाँ क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ, और जब तक ये प्राइस इसके ऊपर अगर आ जाता है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से फिर से एक एंट्री देखिए, 90 के ऊपर आई है तो फिर से आप एंट्री ले सकते थे और अच्छा प्रॉफिट यहाँ बना सकते। ये भी मुनाफा ही है और ये भी मुनाफा ही, समझ रहे हैं? मतलब हर एक रूल को डिफाइन कर लीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दैट इज माय गारंटी टू यू। एंड एनी डाउट इफ यू हैव रिलेटेड टू दिस सेटअप, देन डेफिनेटली यू कैन मेल मी और यू कैन नो पुट योर कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्राइस 200 के ऊपर है भाई, बाई साइड में है, कंफर्म है कि बाई साइड है। अब प्राइस आपको मिल, यहाँ पे RSI चली गई 20 के नीचे, 10 के नीचे, 10 के नीचे गई। ये हमारे एक लिए एक ऑप्शन था कि भाई इसके ऊपर आते ही जैसे है हम यहाँ बाय कर लेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सेल नहीं आता। यहाँ पे सेल आ रहा, फिर भी हमको यहाँ प्रॉफिट मिला, ठीक है, देख सकते हैं, फिर भी हमको प्रॉफिट मिला। हम यहाँ बाय, यहाँ ओपनिंग पे बाय कर रहे हैं और यहाँ कहीं एग्जिट कर रहे हैं, फिर भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। कई बार ऐसा होगा कि वो जो मूव है आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत लंबा चलेगा, और कई बार ऐसा होगा कि मूव आपका नहीं चलेगा। दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन, कि मार्केट किस तरह से चलता है। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी ये आपको समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे पुटअप कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स और क्लियर योर डाउट्स। सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो के साथ साथ हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।